हाँ अगर कोई इंडियन मुझे ये गाड़ी गिफ्ट करना चाहे तो मैं बहुत खुशी से ले लूँ। सर इंडिया से अगर ये गाड़ी इम्पोर्ट की जाए तो कितने की पड़ जाएगी पाकिस्तान में? तकरीबन 60 लाख के करीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा मैम गाड़ियों का शौक? जी बहुत शौक है। पाकिस्तान में ऐसी कोई गाड़ी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? कौन सी? फॉर्च्यूनर। वाह। अच्छा मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो गाड़ी कैसी है। ठीक है, ये ले। लुक वगैरह तो प्यारी है इसकी, फ्रंट से भी सही। किसी की तरह मिल रही है? हाँ जी। किसकी तरह मिल रही है लुक? की तरह नहीं, नहीं फॉर्च्यूनर की तरह थोड़ी बहुत लग रही है। V8 से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो V8 ज़्यादा है कि ये? एज कम्पेयर टू V8 लग्जरी है, इससे ज़्यादा ये चीज़ है। इसमें कैसी लग रही है? तो बहुत प्रिटी कार है। उम्मीद तो है कि ये मैं खुद ले लूँ। चलेंगी? जी बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं है। फॉर्च्यूनर से ऊपर नहीं है ये? फॉर्च्यूनर से हाई तो नहीं? अब वो तो मेरी फेवरेट है ना, तो लेकिन हाँ हो सकती है, मतलब ऑप्शन हो तो शायद ये भी ले सकती हूँ। ठीक है। अच्छा फॉर्च्यूनर की प्राइस पाकिस्तान में क्या है? आप मुझे लगता है करोड़ होगी शायद, या 80 लाख होगी। आनो यानी करोड़ प्लस है? आई गेस सो। ठीक हो गया। अच्छा थोड़े से मुझे इसके फीचर्स बताएं, आपको फीचर्स कैसे लगे? सेक्सी कार है, मतलब मज़ा आया मुझे देख के। बाकी मुझे गाड़ियों का इतना पता नहीं है और इतना मतलब। लेकिन आपको शौक तो है ना फॉर्च्यूनर का? मतलब इंटीरियर वाइज एवरीथिंग तो ये कूल है बहुत। ठीक हो गया। अच्छा इसकी प्राइस क्या हो? 80-90 होगी। 80-90? हाँ आई गेस सो। अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस बताऊँ तो? तो मैं जानना चाहती हूँ। ले लेंगी आप? आई डोंट नो। ने V8 कहा था, V8 की प्राइस पाकिस्तान में क्या? तकरीबन 2 करोड़ प्लस है। सर फॉर्च्यूनर की? फॉर्च्यूनर की 1 करोड़ से ऊपर, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर। 1 करोड़ प्लस है? ठीक है, 2 करोड़ प्लस और 1 करोड़ प्लस। मैंने जो आपको गाड़ी दिखाई है ये गाड़ी कितने की होगी? 1 करोड़ प्लस लग रही है, 150 या ऐसे समथिंग, 125 इस रेंज में लग रही है। आप क्या कहते हो? 1 to 150। सेम रेट आप दोनों का? कोई ऊपर नीचे कर लो यार। नहीं वैसे किधर से इंपोर्ट हो रही है, किधर से? यार अगर मैं आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस बताऊं तो इंपोर्ट का मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर मैं इसकी आपको ओरिजिनल प्राइस बताऊं तो वो 25 लाख है। 25 लाख? काफ़ी बेहतर है ये तो, काफ़ी बेहतर है। आपके पास अभी कौन सी गाड़ी है? अभी तो कल्टस है। कल्टस है? कल्टस बेच के ये गाड़ी ले लोगे? थोड़े से पैसे ऊपर डालेंगे, मैं आपको ओरिजिनल प्राइस दे रहा हूँ। एक्सपेंसिव लग रही है जी ऐसे? अगर मैं कहूँ एक्सपेंसिव इतनी नहीं है, आप कल्टस बेच के थोड़े से पैसे उल्टा डाल के आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में होगी तो ज़रूर लें। यही तो प्रॉब्लम है यार। अच्छा इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो, हाँ ट्विस्ट है, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है यार वो 25 लाख है। 25 लाख? 25 लाख ऑफकोर्स बात है, यहाँ पर तो नहीं होगी पाकिस्तान में। यार ऐसा क्यों हर कोई बंदा यही कह रहा है कि ये चीज़ में ऐसी चीज़ इतने कम पैसे में बन नहीं सकती? क्यों नहीं बन सकती ये मुझे बताएगा। यहाँ की जो है ना हमारी प्रोडक्शन वो इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब वो कम पैसों में आपको अच्छी चीज़ दे। अच्छा अगर इसकी प्राइस कम हुई तो आप मुझे भी ले देना इंशाल्लाह। कमाने दे एक बार फिर। ठीक हो गया। अच्छा इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 25 लाख है। फॉर यू? यस। व्हाट कूल है। लेकिन एक मसला है ना कि ये इंडिया में है। अच्छा इंडिया में फिर क्या? वहाँ से इम्पोर्ट करवा लें अगर आपको पसंद आई है तो। जी ज़रूर। मुझे भी ले देना फिर एक। जी इंशाल्लाह। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, आपने कहा कि कहाँ से इम्पोर्ट करवाने, ये इम्पोर्ट होगी इंडिया से? वैसे ये है कि उनकी प्रोडक्ट्स को बैन ही रखनी चाहिए। बैन यार उनके फीचर्स, उन्होंने जो गाड़ियाँ बनाई हैं आवाम को रिलीफ दी है इस वजह से, आप ये भी तो देखें ना। नहीं वो चीज़ बेहतर है, लेकिन एक एज अ पाकिस्तानी के एज अ मुस्लिम यार हम भी कहते हैं कि एज अ मुस्लिम हम भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमारा भी पाकिस्तान है, लेकिन हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बना पा रहा और पाकिस्तान की आवाम को ऐसा रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा। बेसिकली ना पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन मेन इशू आता है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज कोई, जिनके पास रिसोर्सेज हैं
वो अपने रिसोर्सेज अच्छी जगह पे नहीं लगाते। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी बात आई कि रिसोर्सेज की, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए एक दिन का फ़र्क था, उनके पास इतनी जल्दी रिसोर्सेज कैसे आए और पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान में लॉयल लोग बहुत कम हैं, जो भी आता है अपना फ़ायदा देखता है, जो अच्छा करने की कोशिश करता है उसके साथ जो होता है आपके सामने। आप क्या कहते हैं सर? मेरा भी यही है, यानी कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है, यानी कि करें, और उसके अलावा यानी कि जब, और बाकी तो ये है कि टैक्सीज कम करेंगे तो खुद ही यानी कि गाड़ी भी यानी कि सस्ती होनी चाहिए। एज अ पाकिस्तानी यार, आपका नहीं दिल करता कि हमारा भी ऐसा नाम हो, जैसे हम इंडिया वालों की गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, हमारी भी कोई ऐसी लोकल मैन्युफैक्चर की गाड़ियों का रिएक्शन वो भी लें, आपको नहीं लगता? क्यों नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में असल में है टैलेंट लेकिन कदर नहीं है। दूसरा ये है कि रिसोर्सेज पे लोग जो जिनके पास टैलेंट है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जब वो आइडिया अपना आगे देते हैं आइडिया चोरी हो जाता है, और वहीं आइडिया पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं करते, आउटसाइड कंट्री जाके करते हैं, और बेनिफिट बेसिकली फिर उनको होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान में यार। यहाँ पे तो जो है ना महरान, अब तो उसके रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए, 16 लाख हो गया। ऑफकोर्स बात है, महरान ने हमें 16 की मिल रही है, तो फिर ये इतनी लग्जरी गाड़ी पॉसिबल नहीं कि आपको इतने कम पैसे मिले पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि हमें इतना रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा है गाड़ियों के ऊपर, कम से कम पैसों में हमें गाड़ियाँ नहीं दी जा रही? नायल काम है, सुस्त काम है, खुद कुछ नहीं करती, मतलब ये मेजोरिटी गाड़ियाँ बाहर से इम्पोर्ट्स करते हैं। तो ये सर मैंने इम्पोर्ट करते हैं तो आप पे टैक्सेस लगते हैं, आप पे लेवी लगता है, तो मतलब वो बाहर से होती कम पैसों की है, लेकिन जब आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो टैक्स गुना टैक्स, तो ऑफकोर्स बाद में ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। अच्छा ये इंडिया में है ये गाड़ी 25 लाख की? वो तो इंडिया में तो नहीं है, इंडिया वाले करते हैं ऐसे काम, लेकिन पाकिस्तान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 300 गुना टैक्स है सर, 80 लाख रोड से ऊपर नहीं चले जाएगी? मे भी कह सकते हैं, अगर वहाँ पे ये 25 लाख की है तो हाँ 1 करोड़ से ऊपर हो शायद। कोई मैसेज ऐसा दे दो व्यूअर्स को कि अगर आपको कोई गाड़ी ये गिफ्ट करना चाहे, गिफ्ट नहीं है, अगर इम्पोर्ट करवाना चाहो कि आप उनसे बात कर सकते हो कि यार मुझे इम्पोर्ट करवा दो, मैं पैसे भेज दूँगा। अगर इम्पोर्ट करवाएंगे ना भाई तो मतलब हमें रेट फिर वही पड़ना है 1 करोड़ से ऊपर ही, टैक्सेस वगैरह लगा के सब कुछ लगा के, तो रेट तो वही पड़ना है हमें इम्पोर्ट करवा के भी, तो उससे बेहतर है मेरे जो मिलती है गाड़ी वेट वगैरह जो मिलती है मतलब पैसे में वही ले लें, तो फिर मेहरान इतने की मिलेगी। ऑफकोर्स बात, तो वो सिविक वगैरह भी जो है वो 35-40 अनकरीब लग रहा है कि गाड़ियाँ मतलब हमारी पहुँच दूर होनी है, जिस तरह ये उनके रेट्स बढ़ रहे हैं ना, तो इन फ्यूचर मतलब कोई उम्मीद नहीं हमें। बेसिकली एक चीज़ है होनेस्टी होती है, ईमानदारी, आप ईमानदारी से काम करें, जैसे आपको एक पास एक बंदा आता है आइडिया देता है, आप उसको चोरी ना होने दें, उस पर इम्प्लीमेंट करें, वो फिर बेहतर तरीके पे इन्वेस्ट होगा। पाकिस्तान में काफ़ी जगह 70-80% ये चीज़ है, जो बंदा वर्किंग वाला होता है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, और जो बंदा सिर्फ क्या कहते हैं उसे अगले की तारीफ ही करिए उसका, वो कहते हैं वाह ये ठीक है, असल में ये इशू आ रहा है मेन। आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान, हमारा मुल्क इंडिया को कैसे बीट कर सकता है इन चीज़ों के ऊपर आके, कि हम पाकिस्तान का भी हमारा ऐसे नाम हो? बेसिकली यूथ जो है पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट करे, और जिनके पास रिसोर्सेज वगैरह हैं थोड़ा मतलब उनको अपने साथ बिठाएँ, अपने साथ काम करवाएँ, और सिर्फ इनका नहीं बेनिफिट होगा, जिनके पास टैलेंट है जो रिसोर्सेज लगाएँगे उनका भी प्रॉफिट निकलेगा।